क्या हुआ काट लिया शेट यार वो जो है ना अंदर काटती भी जा रही है से जाके पकड़ो यार वो गुस्सा कर रही है ले जाओ ले जाओ पकड़ लो पकड़ क्या काट लिया बेचारे को देखो खून भी नहीं कर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग यार वेलकम बैक हो गए न्यू वीडियो के अंदर तो जिसने से कर दो और अभी जो है ना मुझे उधर से अपने न्यू वाले डॉग की जो है ना आवाजें आ रही हैं और इस साइड से भाई देखो ये मुर्गा ये जो है ना फ्री होने लग गया है भाई हमारे साथ हाँ भाई वो देखो भाग गया भाग गया इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ये देखो ये लोग जो है ना यहाँ पर घूम रहे हैं और ये अंदर से बोर है भाई क्यों शोर कर रहे थे ये देखो यहाँ पर यार को जो है ना रोटी इसका डली हुई है लेकिन इसने थोड़ी सी खाई है ज्यादा नहीं खाई ये जो है ना ज्यादा शौक से दूध पीता होता है यार शाम का जो है ना अपने सब हॉर्सेज को खाना डल गया अभी सूरज हेल कलर का वाइट हॉर्स ये सारे जो है ना अपना खाना खा चुके हैं उस तरह अपने ब्राउन वाले हॉर्सेस भी खा रहे हैं और डोगी को पता नहीं कह क्यों बेचारा बोली जा रहा है वरना कल तो ये सारे के सारे हॉर्से ना इस इस बाउंड्री के पास आ गए थे क्योंकि उन्होंने कल जो है ना जल्दी खाना खा लिया था लेकिन आज जो है ना सुस्ती से लगे हुए हैं चलो सही है कोई जल्दी नहीं है मजे से अपना खाते रहे और अभी चलते हैं भाई अपने न्यू बैल से मिलने क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली हम ब्लैक बुल लेके आए हैं हैवी वाला उससे मिलते हैं यार अभी जो है ना नींबू भी आ गए हैं ये जो है ना सारे के सारे नींबू एक इस वाली अपनी भैंस को देने और एक जो है ना वो सामने वाली उसको देने यहाँ पर जो है ना भाई के जिम्मे लगा दिए वो जो है ना सारे नींबू काट काट के जो है ना ऐसे रखेंगे क्योंकि हम लोग फुल साइज नहीं दे सकते काट कर देंगे ना इस साइज के अंदर तो वो सही से खा लेगी और भाई आज तो अपने खरगोशों से भी मिलते हैं क्योंकि लोग जो है ना अभी चारा खा रहे हैं फ्रेश फ्रेश देखे यार कितने प्यारे लग रहे हैं माशाला व्हाइट वाला कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे जो है ना चारा खाते हुए क्या हुआ उठा रहा है। अकेला उठा रहा है वो जी बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक इसको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये जो है ना अभी अंदर घुस गया ये देखो ये वो खा रहे अभी भी उठा लो उठा लो उठा लो तो यार ये अभी फ्रेश फ्रेश थोड़ी देर पहले इनका चारा आया ये बहुत शौक से खाएंगे अपने सारे के सारे जानवर दोस्तों कल आप लोगों को याद होगा कि हमने जो है ना अपनी ये वाली भैंस को जो है ना नींबू खिलाए थे इससे जो है ना ये फ्रेश हो जाती है मतलब एक्टिव हो जाती है इन्हें बहुत पसंद होता है इनको देखो आधा खा रही है और आधा ही बाहर निकाल रही हो भाई तो अभी जो है ना ये सारा का सारा अंदर डाल देते हैं और अभी मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ कि यार हयाबूषा को क्यों अलग बांधा हुआ है हाँ हाँ ये देखो देख रहे हैं मेरी तरफ क्या हुआ है भाई तुम्हें क्यों अलग बांधा है और यार ये पता नहीं से, पानी पिया है ये वाइट वाइट क्या है हाँ भाई ठीक हो ना तनवीर वो लोग फ्री हो जाए वरना मैं उनसे पूछता हूँ कि इसको क्यों अलग बांधा हुआ है और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वाइट वाली जहां भैंसे ना उनसे मिलने देखो भाई इसका एरिया वो वाला है उधर छोड़ के यहाँ हमसायों का खा रही है तो यार वैसे मैं इसके लिए जो है ना एक फेवर कर सकता हूँ आप लोग भी सोच रहे हो क्या फेवर यार थोड़ा सा जो है ना उनका चारा उठा के इस बिचारी को डाल देते हैं ऐसी बात नहीं है कि चारे की कमी है वहाँ पर बहुत सारे हो पता नहीं वहाँ पर क्यों नहीं खा रही इसको इन्हीं का पसंद आ रहा है देखो कुछ कहना ना डर क्यों रहे हो भाई ओ भाई खतरा है ये देखो चलो ये लो खा लो खा लो खा लो भाई खा रही है खा रही है तो ये जो है ना ये देखें दोस्तों खा रही है अभी मजे से थोड़ा सा जो है ना और डाल देते हैं चलो शाबाश मजे से जो है ना ये लोग अपना शाम का इस टाइम चारा खा रहे है आगे आ गया सही है सही है मोइन जो है ना इस टाइम इन लोगों का भी चारा लेकर आ गया है और देखो बिचारी कैसे इस टाइम जो है ना भूखी थी अब जो है ना मजे से ये लोग खाएंगी आजो आज कोई रहता है वो देखो मार रही थी उसको यार तनवीर ये बड़े वाले हायब उस क्यों इधर बांधा हुआ है अलग अच्छा तो यार धूप काफी थी आज इस वजह से जो है ना इसको यहाँ से हटा के वहाँ छाव में बांधी क्योंकि दीवार का साया आ जाता है ना तो कौन से रहती है टाइम जो है ना ये व्हाइट वाला जो अपना न्यू बैल है इसको जो है ना उसकी जगह पे वहाँ बांधने जा रहे हैं और जा ही नहीं रहे भाई देखे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ध्यान से ध्यान से ठीक है ले चलो ले चलो ध्यान से ध्यान से और यहाँ पर जो है ना ये रोटिया हमने पानी के अंदर भिखो दिया इस टाइम जो है ना मुर्गे ये लोग खा रहे थे यहाँ पे और इस टाइम जो है ना यहाँ पे ये यह व्हाइट वाले बैल को भी चारा डल गए खूबदार इसको चारा डाल लो उसके बाद चलते हैं फिर घोस को लेके ठीक है जल्दी जल्दी काम कर लो उसके बाद चलते हैं फिर आ जाओ आ जा आ जा आ जा वही ये इंतजार में था चिंटू कैसे हो कैसे हो हाँ चिंटू सिट तो यार हम लोग जो है ना इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये सीखता जा रहा है छोटा सा है देखो कितना प्यारा है यार मेरी तो इसे दोस्ती हो गई है सीरियस इस टाइम जो है ना यार ये गहरी नींद सो रहा है मजे से क्योंकि इस बेचारे को जो है ना बहुत नींद आई थी ऐसी और इस टाइम जो है ना नादी ने बकरियों का चारा जो है ना काट लिया अभी चल के जो है ना उनको डाल देते हैं ले चलो ले चलो भाई और यहाँ पर जो है ना अपने शेरू का भाई ट्रीटमेंट चल रहा है जितना भी पहले वाला है ना ये सारा का सारा निकाल देते हैं क्योंकि ऐसे फिर ये लोग खाते नहीं होते अब ये लोग जो है ना ताजा ताजा खाएंगे देखे कितनी भूख लगी हुई थी बेचारों को खाओ 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 और यह वही बकरी अपनी जो योगा करती होती है अच्छा तो भाई अभी जो है ना इन लोगों को इस केज के अंदर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यार ये जो बड़े वाले जानवर है ना ये इन मासूमों को मारते हैं मेरा डोलू कैसा है ये तीनों जो है ना इस टाइम सेफ़ रहेंगे इनका जिस टाइम दूध पीने का टाइम होता है ना उस टाइम ही इन लोगों को जो है ना बाहर निकाला करेंगे बोलू क्या बात है क्या कर रहे हो चंदा बात सुनो यार ये यार चंदा भाई ढोलू भोलू तो एक साइड पे है लेकिन चंदा बहुत ज्यादा तेज है बहुत ज्यादा दूसरी बकरी है और इनके छोटे वाले के काम देखो यार उसके अंदर चले गए हैं वो तोड़ के क्यूँकी लास्ट टाइम वो शेरू ने तोड़ दी थी और ये लोग अब अंदर से हो देखो ये देखो ये क्या कर रहे हैं सही है भाई तुम लोग की फेंटी मैं लगाता हूँ चंदा चंदा बात सुनो ये वाला जो सा पिजन है ना मुझे इसकी जोर सी जो है ना तबीयत डाउन लग रही है ये देखो तो बाकी जितने भी है ना सारे के सारे उसको देखो कैसे मजे से ऊपर बैठा हुआ है 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 सही सही और यार जल्दी से जो है ना अपनी भैंसों को इस टाइम नींबू खिला देते हैं क्योंकि वो जो है ना इस टाइम कट के रेडी हो गए किसको खिलाने हैं पहले इसको खिलाने हाँ। चलो इसको एंड में खिलाएंगे जो उनसे बद के पहले किसको खिलाने वो उसको और ये चीनी मिक्स कर दी है अंदर चीनी क्यों मिक्स की है ये में में हो जाता है अच्छा सही <laughs> ज्यादा कड़वा नहीं लगेगा ऐसे यार अंदर जो है ना थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दी है इससे जो है ना मजेदार हो जाएगा चटपटा है अभी जो जो है ना इसको ले सबसे पहले इसको खिलाने उसके बाद दूसरी को ले आओ ले आओ ले आओ ठीक है ठीक है थोड़ा टाइट करके बांधना अच्छा चलो ओ भाई ध्यान से ध्यान से मुंह करना चाकी से। रुक जाओ भाई वो जो है ना फुल अग्रेसिव हुई है भाई ना ही छेड़ो मुझे तो अच्छा है, तो, जाली ए, है तो यार ये वाली जो सी भैंस है इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मतलब नींबू खिलाना कोई आसान बात नहीं है ये जो है ना काटती भी होती है तो अभी जो है ना ये रस्सी से ट्राई करे दूसरे तरीके ऐसी शेट यार ये नींबू जो है ना गिर गए इस टाइम गलती से जो है ना मुइन से तो चलो अभी जो है ना इसको अंदर डाल देते है तो चलो यार फाइनली अभी जो है इसको कंट्रोल करना आ गया अभी जो है ना इसको खिलाते हैं जल्दी जल्दी खा लो खा लो खा लो ध्यान से ध्यान से आ, क्या हुआ काट लिया शेठ यार वो जो है ना अंदर काटती भी जा रही है ध्यान से करो ना ध्यान से क्योंकि यार आप लोग देखे इसके दांत कितने बड़े बड़े हैं ओए होए होए क्या हुआ ज्यादा काट लिया यार उसको काट लिएट यारेरे को वो खून भी नहीं कर रहे भाई आप लोगों को वीडियो में इतना नहीं पता लग रहा उसके दांतों का इसकी जगह पर भेजते हैं अभी आएगी दूसरी वाली अभी बारी है ये दूसरी वाले की अब यार ये आसानी से खा ले ये नाप काटे भाई मैं देख रहा हूँ पीछे से कौन देख रहे हाँ भाई टोकन कैसे हो तुम लोग यार टोकन किधर गया किधर गया टोकन टोकन वो रहा वो छुपा खड़ा है हाँ भाई ठीक हो ना आप लोग और ये लोग जो है ना पीछे से छुप छुप के देख रहे थे और ये वाली जो भैंस भाई ये बहुत ही गुस्से वाली है और वो वाली जो आप लोग देख रहे हो ना इन दोनों की जो है ना आपस में लड़ाई है टकरे मारती है एक दूसरे को यार ये वाली भैंस पहले तो से खाई थी लेकिन अब अचानक से क्या हुआ छिट्टी हो गई गुस्से वाली और ये नटांग मार दे पीछे से और भाई पहले तो कुछ भी नहीं अब असल मेन काम शुरू होने लगे क्योंकि ये वाली जो है ना सबसे अग्रेसिव और गुस्से वाली है तो तैयार हो टक्कर खाने के लिए हाँ तैयार हो फिर ध्यान से जाके पकड़ो यार, वो कर रही है ले जाओ ले जाओ पकड़ लो पकड़ लो ओ वो भाई ओ भाई वो 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 वो। तो तो वाला। यार देखा इसको खिलाना जो है ना सबसे मुश्किल काम है खुणे खुणे खुण। वो खुल गई रस्सी टूट गई देखा दोस्तों सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना है इसको खिलाना है और इस टाइम जो है ना उसकी रस्सी टूट गई आप लोग भी सोच रहे हो कि मुइन पकड़ के क्यों रखता है क्योंकि यार नींबू होते हैं ना हाथ में वो मुंह से निकाल नहीं सके वरना वो गिरा देगी और ज़ाया हो जाएंगे तो इस वजह से जो है ना उसको काबू करके रखना पड़ता है और अभी देखो भाई क्या बनता है ठीक है ठीक है ठीक है ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ तो इसको भी जो है ना उसी जगह पे बांध देंगे क्योंकि ये वाले जो पाइप है ना ये मजबूत हैं इससे जो है ना कंट्रोल हो जाएगी इस टाइम जो है ना ये सुकून सब खाना शुरू तो कर दिया है इसको जो जैसे यहाँ पे खिला लेते हैं अभी जो है ना मैं हॉर्सेस के पास वापस आ गया मैं देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं जो है ना इस टाइम यहाँ की सफाई कर रहे है और यहाँ पर जो है ना इनके लिए फ्रेश पानी भी इस टाइम रख दिया और ये जो है ना कैन फुल होता जा रहा है वो लोग अपना जो है ना चारा खा रहे हैं उपदार मैं सोच रहा हूँ कल लेके चलते हैं इन्हें कल लेके चलेंगे सही है कल लेके चलेंगे क्योंकि फिर कल इन दोनों को सही है ना इसके बच्चे चलो डन करो तो यार इन दोनों को जो है ना कल हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि आज जो है ना अंधेरा सा हो गया है क्योंकि अब सर्दियां भी आने वाली मौसम चेंज हो रहा है सही है फिर आप दोनों को कल हम लोग लेके जाएंगे देख कितने प्यारे लग रहे हैं देखते हुए यार काफी सारे लोग जो है ना ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते तो प्लीज प्यारे प्यारातों से जो है सब्सक्राइब कर दो ऐसे तो मौसम ठंडा हो गया है लेकिन अभी भी जो है ना अपने हॉर्सेस के लिए पंखा चलता है क्योंकि यार इन लोगों को जो है ना गर्मी लगती है क्योंकि अपने हॉर्सेस भी तो भाई फिर शाही वाले है ना हाँ वो देखो गुस्सा कर वो देखो वो देखो कैसे गुस्सा कर रहा है जुगनू जुगनू नहीं करो चुप यार नया बंदा जब भी इसके पास आए ना ये बहुत गुस्सा हो जाता है ऐसे ही यार अभी जो है ना मैं चिंटू के लिए दूध ले आया हूँ आज 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 दूध पी लो दूध पी लो ओ भाई दूध पियो ये लो शाबाश यार दूध ही पी रहा आज क्या हुआ पी लो पी लो पी लो पी लो पी रहा पी शाबाश टोनी खुद ही आ गया उसको पता लग गया भाई दूध पीना है चलो शाबाश शाभाई दूध अब चलो दोस्तों आज की वाली वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज